केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए भी कई उम्मीदें लेकर आया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हिमाचल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रेलवे में पीपीपी मॉडल के इस्तेमाल से हिमाचल में रेल विस्तार की उम्मीद जगी है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में इस बार 6.3% की बढ़ोतरी के चलते हिमाचल को विकास के लिए मिलने वाले बजट में इजाफे की संभावनाएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय बजट में विश्व के 17 पर्यटक स्थलों को विकसित करने का ऐलान किया है। ऐसे में हिमाचल एक पर्यटन स्थल होने के नाते हिमाचल के हिस्से में भी कुछ आने की उम्मीद जगी है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि मनरेगा बजट में 9% की बढ़ोतरी स्वागत योग्य है। रेलवे में पीपीपी मोड एक अच्छी शुरुआत है, इससे खुलापन आएगा। हिमाचल में काफी वर्ष से रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इससे हिमाचल में रेलवे विस्तार की उम्मीद जगी है। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक खेती को केंद्रीय बजट में शामिल करने की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में देश के 17 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही है। हिमाचल एक पर्यटन स्थल है, इस लिहाज से हिमाचल के हिस्से भी कुछ न कुछ आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने छोटे दुकानदारों को पेंशन योजना शुरू करने का भी स्वागत किया है। पीआरटीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।